ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर है मतदान के दिन की और दूसरी तस्वीर है चुनाव परिणाम के दिन की। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग घायल हैं, कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं, किसी का चेहरा सूजा हुआ है, मानो किसी ने सीधे चेहरे पर वार किया हो। ये पहली तस्वीर उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा की है, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन मंगलौर में हिंसा हुई और आरोप लगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर काजी निजामुद्दीन के समर्थकों को वोट डालने से रोका और इस दौरान उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। इसके बाद काजी निजामुद्दीन मतदान के दिन ही अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे, उन्हें गले लगाया और फिर वे रो पड़े। दूसरी तस्वीर है उपचुनाव के परिणामों की, जब काजी निजामुद्दीन चुनाव जीत गए और मंगलौर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने। ये दो तस्वीरें काफी हैं बयां करने के लिए कि चाहे कुछ हो जाए, जनता जिसे चुनती है उसे ही चाहती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 422 वोटों के अंतर से हरा दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर क्षेत्र में हिंसा नहीं हुई होती तो ये जीत का अंतर और बड़ा हो सकता था, यानी काजी निजामुद्दीन बड़े अंतर से चुनाव जीते। उत्तराखंड में दो सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे कि मंगलौर मुस्लिम बहुल सीट थी इसलिए कांग्रेस वहां से जीत गई, लेकिन फिर बद्रीनाथ भी हम ही जीते हैं जहां 97% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। उन्होंने कहा कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात गंदी राजनीति की है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं, वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था, उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। देश के 7 राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी को गहरी चोट लगी है। 2014 के बाद ये पहली बार है जब बीजेपी को लगातार इतने झटके एक साथ मिल रहे हैं। पहले लोकसभा चुनावों में करारी चोट, इनमें उन सीटों को भी गंवाना जिन पर बीजेपी को आंख बंद करके भरोसा था। इसके बाद उपचुनावों में पार्टी तो छोड़िए, एनडीए के प्रत्याशियों का निर्दलीय प्रत्याशियों से भी हार जाना, ये दिखाता है कि जनता के बीच मोदी लहर सुस्त होती जा रही है। इन्हीं उपचुनावों में उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए जिनमें बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से ही बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी लखपत सिंह बुटोला से हार गए, तो वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने करतार सिंह भड़ाना को हरा दिया। काजी निजामुद्दीन के बारे में बात की जाए तो वे राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है और ना ही वे पहली बार विधायक बने हैं। बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त किए काजी निजामुद्दीन बसपा के टिकट पर मंगलौर से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में बसपा से वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जानते हैं कि कौन है काजी निजामुद्दीन और राजनीति में उनकी पृष्ठभूमि क्या है। काजी निजामुद्दीन राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश सरकार में वन और उपकारागार मंत्री थे। ये बात तब की है जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। जाहिर है कि राजनीतिक सूझबूझ उन्हें विरासत में मिली। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और नया राज्य बना तो वे विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर चुने गए।
साल 2002 में जब उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव हुए तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मंगलौर विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की और काजी निजामुद्दीन उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 2007 में अगला चुनाव भी बसपा के टिकट पर ही लड़ा और लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इसके बाद बसपा से उन्हें किसी कारण से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और 2012 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। हालांकि इस चुनाव में बसपा के हाजी सरबत करीम अंसारी ने उन्हें हरा दिया, लेकिन 2017 के चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए मंगलौर विधानसभा से जीत दर्ज की और तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2022 में भी फिर से हाजी सरबत करीम अंसारी से हार गए, उन्होंने उन्हें पटखनी दे दी। नवंबर 2023 में हाजी सरबत करीम के निधन के बाद मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव हुए और नतीजा ये रहा कि काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हल्के से अंतर से ही सही लेकिन हरा दिया और इस तरह काजी निजामुद्दीन चार बार विधायक बन चुके हैं। फिलहाल वे राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी हैं और साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व में उनके पास राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी है।